जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? आज हमारे किचन में बन रहा है मिन्स पोटैटो सरप्राइज़ कबाब। कबाब में सरप्राइज़ क्या है, इसके लिए आपको वीडियो को फुल वॉच करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकॉन को क्लिक करना पड़ेगा ताकि मज़े मज़े की रेसिपी इंजॉय कर सकें आप लोग। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की रेसिपी मिन्स पोटैटो सरप्राइज़ कबाब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, लेट्स स्टार्ट। तो आज हमारे किचन में बन रही है पोटैटो सरप्राइज़ कबाब। तो इनके लिए क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए नोट डाउन कर लीजिए। यह मैंने लिया है कीमा, ये मटन का कीमा है, आप चिकन का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने लिया है पोटैटोस, इसे मैंने बॉयल कर लिया था और इस तरह से अच्छी तरह से मैश कर लिया। ये मैंने लिया है क्रश्ड ग्रीन चिली, साथ में लिया है कोरिएंडर, ग्रीन धनिया, कोरिएंडर, और ये मैंने लिया है चिली फ्लेक्स, ये 1 टीस्पून है, और सॉल्ट लिया है, ये 3 पिंच सॉल्ट है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रोसेस। तो ये मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून के करीब आपने लेना है ऑयल, और ये जो कीमा था इसे इसमें डाल के अच्छी तरह से इसकी भुनाई करनी है। इतना इसको पकाना है कि कीमा जो है वो गल जाए। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना, जितना बताया है बस उतना ही ऑयल यूज़ कीजिएगा। तो करते हैं इसकी भुनाई, और जब कीमा अच्छी तरह से गल जाए, पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, मैंने लिया है जो कीमा वो काफ़ी बारीक है, ये देखिए वो बहुत ज़्यादा बारीक है, और ये इसी में, इसको जब मैं भुनाई करूँगी, इसकी भूनूंगी अच्छी तरह से, ये इसी में गल जाएगा। तो इसमें मैं डाल रही हूँ 3 पिंच सॉल्ट, उसके साथ मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स। बस अब हमने इसको मिक्स करते रहना है और अच्छी तरह से ढककर पका लेना है। अगर पानी की ज़रूरत पड़े तो पानी का छींटा लगा के आपने इसको अच्छी तरह से गला लेना है। तो मैं करती हूँ इसको अच्छी तरह से मिक्स और गलाती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस। तो हमारे किचन में बन रहा है पोटैटो सरप्राइज़ कबाब। तो इसके तमाम इन्ग्रीडियंट्स जो हैं वो रेडी हो गए हैं। ये मैंने लिए थे पोटैटो, इनको बॉयल करके अच्छे से तो मैंने मैश कर लिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भर के धनिए का, वो मैंने हल्का सा ग्राइंड कर लिया था, ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाया। ये जा रही है इसमें ग्रीन चिली और ये धनिया, और ये कीमा जो मैंने आपके सामने बॉयल किया था, उसे बनाया था, ये देखिए कितने अच्छे से ये गल गया है। और सरप्राइज़, और ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर सॉल्ट, और सरप्राइज़ जो है उसको रिवील करते हैं कि इस पोटैटो कबाब का नाम सरप्राइज़ किस तरह से है। ये मैंने लिया है चिप्स, ये वो चिप्स है जो बहुत शौक़ से बच्चे खाते हैं, इसे मैंने स्पाइसी लिया है मैंने फ़्लेवर में चिप्स, और इसको मैंने अच्छी तरह से ये देखिए ब्लेंड कर लिया है। तो मैंने इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके ये देखिए इसका पेस्ट बना लिया। तो हमारे पोटैटो कबाब का नाम सरप्राइज़ इसलिए रखा है क्योंकि हमारा सरप्राइज़ ये था कि आज हम इसे ब्रेड क्रम्स नहीं, इसे चिप्स में कोट करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को मिक्स करते हैं। जी तो मैंने कर लिया है इसको मिक्स अच्छे से, और अब हम इसके बनाते हैं कबाब। इस तरह से हमने लेना है, ये जो कीमा हमने लिया था वो इसके सेंटर में इस तरह से फिलिंग करनी है और इसको फिल करके चारों तरफ से अच्छी तरह से बंद कर देना है। और इसको कबाब की शेप देनी है। इस तरह से थोड़ा सा इसको यूं करके हल्का सा ऐसे टच दे देना कबाब टच। तो ये रेडी हो गए हैं।
अब पहले हमें इसे मैदे में इस तरह से करके हल्का सा कोट करना है। उसके बाद हमने इसको इस तरह से कोट करना है अंडे में। और फिर हमारा जो सरप्राइज़ है, हमारे चिप्स की जो हमने रेडी किए थे क्रम्स, उसके अंदर अच्छी तरह से कोट करके, ये देखिए इस तरह से, तो ये हमारा रेडी हो गया है कबाब सरप्राइज, पोटैटो सरप्राइज कबाब। तो मैं बना लेती हूँ इस तरह से बाकी के कबाब भी, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। जी, तो ये देखिए कबाब हमारे रेडी हो गए हैं और अब हमें इसे फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। तो मैंने लिया है पैन और उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल शैलो फ्राई के लिए। तो बस कबाब को टर्न करके आराम से स्मूथली और हम करेंगे फ्राई। जी, तो ऑयल हो गया है गरम, अब हम करते हैं कबाब को शैलो फ्राई, आराम से स्मूथली इसको। तो मैं करती हूँ इसको फ्राई शैलो फ्राई और इसको अच्छा सा गोल्डन कलर देती हूँ। स्टे ट्यून्ड विद अस। जी, तो ये हमारे पोटैटो सरप्राइज कबाब रेडी हो गई हैं। आप इसका कलर देखिए कितना अच्छा कलर आया और इवन कलर आया चारों तरफ से, मैंने अच्छे से इसको बना के और गोल्डन कलर दे दिया। इसे हमने सर्व किया है स्पाइसी सॉसेस के साथ फ्राइज। तो बनाइए, मुझे अपना फीडबैक दीजिए। इसको आपको तोड़ के दिखाती हूँ कितना अच्छा, कितना मज़े का बना है और ये बिल्कुल नहीं टूटे। ये देखिए, ये हमारा सरप्राइज जो हमने इसको अंदर कीमे की फिलिंग की थी। तो बनाएं, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कैसे बने आपके। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। टिल देन, अल्लाह निगेबान।